बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये एक हमारी फिल्म है दुल्हन के नाम से, और इस फिल्म के गीतकार जो आज रिकॉर्ड हुआ है वो नौशाद खान है और काशीनाथ यादव जी जो पूर्व MLC रहे हैं और हमारे फिल्म के निर्माता भी हैं। इसके अलावा और भी इसमें गीतकार हैं, प्यारे लाल कवि जी हैं, और आज जो गीत रिकॉर्ड हुआ है वो अलका झा जी की आवाज़ में हुआ है और हमारे बड़े भैया काशीनाथ यादव जी की आवाज़ में, और ये नाजिया है नाजिया चाहत की आवाज़ में। किस तरह का गाना है ये? ये एक सैड रोमांटिक टाइप का गीत है, झुलनिया के तार बल में। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? दुल्हन भोजपुरी फिल्म के माध्यम से हम समाज की बुराइयों को दूर करके और भारतीय संस्कृति के अनुसार, सभ्यता के अनुसार अपने आचरण और चरित्र को बनाने के लिए हमने हर पात्रों को उचित स्थान दिया है। यह दुल्हन फिल्म गांव गवई की कहानी है, और इसमें अगर हम बम्बई में विकास करें तो उस विकास का कोई मतलब नहीं, छोटे विकास का, लेकिन अगर वही विकास अगर गांव में करते हैं तो एक गांव का विकास हो जाता है। इस दुल्हन फिल्म के अंदर गांव के विकास के लिए उस गांव के लोग चाहते हैं एक नया आदमी कुछ कर दिखाने की तमन्ना है उसके दिल के अंदर, उस गांव का विकास करना चाहता है, लेकिन समाज में नफरत फैलाने वाले लोग अपने दबदबा से चाहते हैं कि इस गांव का विकास न हो, क्यों, ताकि विकास के अभाव में इस गांव के लोग हमारे गुलाम बन करके रहें। लेकिन एक नौजवान अपनी पढ़ाई लिखाई का समुचित प्रयोग करके हिम्मत करता है कि इस गांव में विकास करेंगे, अंजाम ठीक है उसका बुरा होता है कि उसका अंत हो जाता है उन आतताइयों के द्वारा। इसके बाद कोई भी कहानी वही होती है, अंत भला तो सब भला, कि किसी भी कहानी के, किसी भी फिल्म के अंत में सामाजिक चेतना और सामाजिक जागृति पैदा हो, तो इस फिल्म के माध्यम से हम अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नौजवानों को, जिम्मेदार लोगों को सतत प्रयास करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिला हों। बखूबी इस भोजपुरी फिल्म दुल्हन में चित्रित किया गया है। इसके अलावा आज क्योंकि सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है तो इस फिल्म में कितने गाने होने वाले हैं, और आज जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको किस तरह से फिल्माया जाने वाला है? भाई कैसे गाने होने चाहिए ये तो फिल्म के छायांकन के हिसाब से गाने की रिकॉर्डिंग होती है। आज गाने की रिकॉर्डिंग हुई है और इस गाने पर कहीं दूसरी जगह पर कहीं इसके लायक सिचुएशन देख करके गाने का फिल्मांकन होगा। हमारी कलाकार के द्वारा जिनका नाम है, उसमें नाम यामिनी सिंह जी हैं, सैफ कबीरा हैं और अयाज खान साहब, संजय पांडे जी, कई कलाकार ऐसे हैं जिनका भोजपुरी दुनिया में नाम है, और ये भाषा भोजपुरी है जो अपने अंदर शब्दों को, वाक्यों को, अगर अंग्रेजी आप देखें तो अंग्रेजी में आप, इतनी गरीब अंग्रेजी भाषा है कि अंग्रेजी में केवल यू शब्द है, चाहे आप के लिए कहिए चाहे तुम के लिए कहिए। हिंदी में केवल दो शब्द हैं, यू कहिए, आप कहिए चाहे तुम कहिए, लेकिन भोजपुरी रउआ, राउर, रउरा, आप, ये सारी चीज़ें जो भोजपुरी भाषा अपने शब्दकोश में रखी है, ये भाषा भोजपुरी है,
एक समझल जरूरी है, ये और कुछ हो ना हो, करेजा में चले वाली छुरी है। भोजपुरी भाषा के विकास के लिए अच्छी फिल्मों को दर्शकों के बीच में लाया जाए, यह प्रयास हम लोगों का है और हम चाहेंगे कि आप भी इसमें सहयोग करेंगे। इसलिए कि आजकल जो पश्चिमी परिवेश हमारे देश में हमारे नौजवानों के बीच में घर कर रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम नैतिक पतन की ओर चले जाएंगे। इसलिए इसको रोकने के लिए हम भारत की संस्कृति को, हम भारत के उस धरोहर को, भारत के उस परंपरा को, जो हमारी परंपरा के कभी दुनिया दीवानी थी, हम चाहते हैं कि वापस कर दें। अगर नहीं वापस करेंगे, आपने देखा और देख रहे हैं, जैसे जैसे आदमी मरता है वैसे वैसे अन्न भी मरते हैं। सावा मर गया, कोदो मर गया, मड़ुआ मर गया, टांगुन मर गई, ये सारे अन्न मर गए, इसलिए कि लोगों ने प्रयोग करना बंद कर दिया। जिस तरीके से पेड़ पौधे मर जाते हैं, आदमी मर जाता है, वैसे शब्द भी मर जाते हैं। अगर हम भोजपुरी भाषा के उन शब्दों को इकटा, इकिटी, सोरहिया, बरहिया, ये क्या चीज़ें थी, अगर इनको हम छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी जानेगी ही नहीं कि बरहिया क्या होती थी, सोरहिया क्या होती थी, वो तो ताश खेलने में अपने जीवन को बर्बाद कर देगी। इसलिए हर क्षेत्र में विकास हो, भोजपुरी भाषा का भी विकास हो, ताकि भोजपुरी भाषा का सम्मान रहे और लोग इसे अच्छे नज़रिए से देखें। दुल्हन की कहानी को बड़े ही सुचारू ढंग से लिख करके और उस कहानी को जीवंत रूप देने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनका अनुसरण करके अपने भविष्य को बना सकें, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें, हर क्षेत्र में विकास हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर के यह फिल्म बनाई जा रही है। तो मैं हूँ सिंगर अलका झा और आज बहुत ही प्यारा सॉन्ग ए बी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। फिल्म का नाम दुल्हिन है और मेरा बहुत ही प्यारा सॉन्ग जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद अली राहत जी हैं और बहुत ही प्यारा लविंग सॉन्ग है, वो रिकॉर्डिंग की है मैंने। थैंक यू सो मच। गाना भी गवाइए ना इनसे, सिंगर को रख के फिर गाना नहीं गवाए। शुभ घड़ी में आपका फिल्म का मुहूर्त भी आ हुआ है, मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों को थोड़ा कुछ गाना गुनगुना के सुना दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी को दीपावली की और छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे बिहार का छठ बड़ा ही फेमस है। तो मेरी आने वाली एक हिंदी फिल्म वैसे आई थी जय छठी माँ, टी सीरीज से आई थी, मैं उसका दो लाइन छठ सॉन्ग गुनगुना देती हूँ। करब पूजा हम छठी माए के, कृपा करी हैं छठी माए, कृपा करी हैं छठी माए, करब पूजा हम छठी माए के, कृपा करी हैं छठी माए। थैंक यू सो मच। यस सर, डायरेक्शन भी करने जा रहे हैं, कैसे दोनों पर्व को संभाल पाएंगे आप? देखिए, संगीत का काम जो होता है वो प्री प्रोडक्शन का काम होता है, तो इसलिए जो है संगीत का काम तो पहले ही ख़त्म हम कर चुके हैं और लगभग इसमें जितने भी गाने हैं कंप्लीट हो चुका है, बस दो तीन गाने और बचे हैं जो रिकॉर्ड होना है, उसके बाद हम लोग शूटिंग की तैयारी करेंगे। और क्या जोन की फिल्म होगी आप? ये अगर आप जोन की बात करते हैं तो जो आजकल जो सिनेमा चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिनेमा बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जैसा टाइटल है दुल्हन, तो हम नारी सशक्तिकरण को लेकर ये फिल्म है और इसमें जो है इसके राइटर मनोज पांडे जी हैं और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा है, स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है। मैं हम लोग 2.5 से 3 महीना पहले से इस पर काम कर रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, आपको हम अलग से सुनाएंगे। बात करते कास्ट का, स्टार कास्ट में देखिए यामिनी सिंह जी को
और काजल यादव जी को, इन दोनों में से किसी एक को फाइनल किया जाना है। जो दोनों से वार्तालाप चल रहा है, लगभग यामिनी जी का फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी फाइनली मोहर नहीं लगा, इसलिए कहना उचित नहीं है। बट हमारे साथ यामिनी सिंह हैं, और अभी हीरो में जो है आदित्य मोहन जी, सैफ कबीरा, और विलन्स में शहबाज खान साहब से कल हमारी मुलाकात हुई थी सब्जेक्ट को लेकर इस फिल्म को। उनको मैंने सुनाया है और बहुत ही वो उनको अच्छा लगा है, वो काम करने के लिए तैयार हैं। बाकी जो फाइनल हो चुके हैं, संजय पांडे जी हैं, अयाज हैं, सीपी भट्ट जी हैं, और तमाम माया यादव जी हैं। लोकेशन की बात करते, कहाँ पर शूट करेंगे हम लोग? लखनऊ के आसपास और लखनऊ में ही शूट करेंगे, और हो सकता है पूर्वांचल क्षेत्र में बलिया और गाजीपुर में भी शूट करें। इसके अलावा प्रोजेक्ट की बात करना चाह रहे हैं कि आप, इसके अलावा और क्या, कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इसके अलावा तमाम प्रोजेक्ट, एक हिंदी फिल्म भी कर रहा हूँ, ऐसे संगीतकार तो तमाम फिल्में किया हूँ, अभी भी दो तीन फिल्में हमारी चल रही हैं, और बॉलीवुड की एक फिल्म है मोहन जी की, उनका काम कर रहा हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके अलावा मैं चाहूँ कि आप भी गाना गुनगुना के सुनाइए, आज जो रिकॉर्ड हो रहा है। इस गाने के अलावा और कोई गाना आपको सुना देता हूँ, बिकॉज वो मेरा जॉनर नहीं है, तो जॉनर का है, और इसमें गाने हैं, एक इसमें गीत है, ए चांद जाके छुप जाओ, ए चांद जाके छुप जा कहीं आसमां के पार, उगल बा घूंघटा में चांद, आए हाय उगल बा घूंघटा में चांद। जी थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बारे में क्या कहना चाहेंगे और फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, फिल्म के नाम से ही आपकी भावनाओं को जोड़ने का हम काम करेंगे, जिसका नाम है दुल्हन। दुल्हन शब्द ही ऐसा है कि जिस घर में वह दुल्हन बेटी के रूप में रहती है, उसे एक दिन छोड़कर जाती है, और जहाँ दुल्हन बन के जाती है, वहाँ पर संवरने का और संवारने का काम करती है। इस फिल्म में भी दुल्हन घर को छोड़ के जाती है, लेकिन वक्त जब जाने का होता है, तो शायद यह जमाने को मंजूर नहीं होता है, विदाई होती है, और वह विदाई जब किसी लड़की की दुल्हन के रूप में होती है, तो नैहर में एक मातम सा माहौल छा जाता है। पुरुष एक बार मरता है ज़िंदगी में, औरतें तीन बार मरती हैं। एक बार तो जब पैदा होती हैं, लोग जब अपने चेहरे को मायूस कर लेते हैं, उसी दिन मर जाती है। एक दिन अपने मौत से मरती है, और बीच में जब वह एक घर को छोड़ करके दूसरे के घर जाती है, तो नैहर में मौत सा वातावरण छा जाता है। इस फिल्म में उस क्षेत्र का विकास, जहाँ पर विकास अब तक नहीं हुआ है, लोग विकास करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी शहरों का विकास तो होता रहता है, हुआ है। विकास का असली अर्थ है कि जहाँ विकास न हुआ हो, यह देश गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है, जहाँ गांव गरीब किसान रहते हैं और आपस में मिलजुल करके रहते हैं। गांव का एक वातावरण ही अलग है, जहाँ काका हैं, चाचा हैं, भाई हैं, भतीजा हैं। शहर का वातावरण तो फैमिली हो गया है, लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण परिवार है, तो अभी भी देहात में परिवार बचा है, जिसमें काका, भाई, भतीजा, चाचा हैं, वरना फैमिली में तो केवल बीबी बच्चों तक सीमित लोग हो गए हैं। यहाँ परिवार का माहौल मिलेगा। गांव के चाहने के बाद भी आजकल कुछ ऐसे उपद्रवी, आतंकी, उग्रवादी, बाहुबली लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम विकास की किरण अगर गांव में पहुंचाएंगे या पहुंच जाएगी, तो लोग हमारे सामने खड़ा होकर के तर्क देना शुरू कर देंगे, और जिस दिन तर्क आ जाता है,
उस दिन गुलाम भी अपनी गुलामी को तोड़ करके आज़ादी की जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी में चाहते हैं लोग, कुछ लोग, कि गांव का विकास ना हो। तो इस दुल्हन फिल्म में गांव के विकास के लिए ही हम चाहते हैं कि हो और उपद्रवी चाहते हैं कि ना हो, लेकिन हमेशा किसी अच्छे काम के पीछे कुर्बानी होती है। बगैर क्रांति की कोई शांति आज तक नहीं आई है। इस फिल्म में भी क्रांति है, खून है, लेकिन जो जरूरी है वह काम इस दुल्हन फिल्म के माध्यम से कि गांव का विकास हुआ, लोग अमन चैन से रहे और आने वाले समय में क्षेत्र का विकास चौमुखी हो, लोग अपने चरित्र निर्माण में भी अपना कुछ समय दें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें। आज की फिल्म दुल्हन सब लोग एक साथ परिवार के बैठ करके देख सकते हैं। यह उस माहौल में यह फिल्म बनाई जा रही है जहाँ पर भोजपुरी भाषा और भोजपुरी फिल्म को पश्चिमी सभ्यता से जोड़ते हुए वहाँ पर कुछ लोग लेकर जाने वाले हैं या लेकर चले भी गए हैं, जहाँ काका, चाचा, भाई, भतीजा, पत्नी, बेटी के साथ बैठ करके हम नहीं देख सकते, ना कोई उनका गाना सुन सकते हैं, लेकिन यह फिल्म कहती है कि आइए, आप हमारे भाई हैं, हम आपकी बहन हैं, हम आपके बेटे हैं, हम आपके चाचा हैं, वो हमारी माँ है, हमारी बात सुनिए, हमारी गीत सुनिए। और इस गीत को सुन करके, फिल्म को देख करके भोजपुरी भाषा का और भोजपुरी क्षेत्र का उत्थान कीजिए। आज के समय में किसानों का विकास, गरीबों का विकास, क्षेत्र का विकास, जहाँ से हो करके हिंदुस्तान के महान होने का रास्ता निकलता है, जब ये लोग खुश होंगे तो भारत माता भी खुश होगी। भारत माता खुश होगी तो जितने भारत माता के पुत्र हैं देश के अंदर, सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। और आज़ादी के दीवाने भी कुर्बान इसीलिए हुए थे कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं आएगी, चंद्रशेखर ने कहा, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, भगत सिंह ने कहा, और आज उसी चीज़ को चले गए नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने भी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत को कहा कि जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक समाजवादी आंदोलन जारी रहेगा। और धरती पुत्र नेताजी जब चले गए तो इस देश का कोई, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई नेता नहीं बचा, कोई महान हस्ती नहीं बची जिनके आंखों में आंसू ना हो। तो जिस चीज़ के लिए हमारे नेताजी ने गरीबों के उत्थान के लिए, समता के लिए, संपन्नता के लिए, कि गरीबी और अमीरी में कोई फर्क ना हो, जाति और धर्म में कोई भेदभाव ना हो, आदमी को आदमी का दर्जा मिले, संघर्ष किया। आज इस फिल्म के अंदर उसी सिद्धांत को हमारे डायरेक्टर भाई नौशाद अली राहत जी अच्छे पात्रों का चयन करके मूर्त रूप देना चाहते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ नौशाद अली राहत जी को कि उनके अथक प्रयास से बहुत ही सुंदर इस फिल्म की गीत आज रिकॉर्ड हुई और भोजपुरी के सुपरहिट सिंगर के द्वारा, जिस स्टूडियो में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस बंबई की सबसे अच्छी स्टूडियो में गाना भी रिकॉर्ड हुआ। हम सब चीज़ अच्छा कर रहे हैं, हम फिल्म भी अच्छी है, उसमें विचार भी अच्छे हैं, उसमें पात्र भी अच्छे हैं, उसमें डायरेक्टर भी हमारे अच्छे हैं, हमारे संगीतकार भी, एक गीत का तो मैं खुद हूँ,
और भोजपुरी फिल्म के बहुत ही बड़े संगीतकार भाई प्यारेलाल जी हैं, सारे लोग मिल करके गीतकार हैं। हम भी हैं, हमने भी एक गीत लिखा है इसमें, जो विदाई की गीत है कि कैसे सहाई बेटी तोहरी जुदाई, मातम बराबर बाटे तोहरे विदाई। प्यारे लाल जी ने भी गीत लिखा है, तो सभी लोगों के सामंजस्य से भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार इस दुल्हन फिल्म में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी अपना सहयोग देंगे और दुल्हन फिल्म जगत में, भोजपुरी इंडस्ट्री में सफलतम होगी और लोगों के दिल को छू लेने वाली होगी और हर लोग इसकी सराहना करेंगे और जो इससे संदेश मिलेगा उसके रास्ते पर नौजवान भी चल करके, हमारी बेटियां बहनें भी चल करके, हमारे तमाम परिवार के लोग चल करके अपने चरित्र का निर्माण करेंगे और देश को बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इस गाने के राइटर नहीं है, लेकिन इस गाने के नहीं बट राइटर है ना, तो फिर राइटर आते हैं जी। कल का चन्ना राजा